बांसवाड़ा जिले एक दिवसीय दौरे पर रहे कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने बांसवाड़ा वासियों को कई विकास कार्यों की सौगात दी है। मंत्री ने कुशलगढ़ में उप जिला अस्पताल भवन का शिलान्यास किया, वहीं सालिया में PHC का उद्घाटन भी किया। इस दौरान सच पे धड़क संवाददाता ने कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी से खास बातचीत की, आप भी सुनिए। बाबूलाल खराड़ी द्वारा बांसवाड़ा संभाग को कई सौगात दी गई है। कुशलगढ़ के विधानसभा के क्षेत्र केंद्र में आज उन्होंने जिला अस्पताल का शिलान्यास किया गया है, तो वही सालिया ग्राम पंचायत केंद्र में PHC का लोकार्पण किया गया। साथ ही आज शिक्षक दिवस है, ऐसे केंद्र में राधा कृष्ण की प्रतिमा का भी यहाँ पर है वो अनाउंस किया गया। तो हमारे साथ केंद्र में कैबिनेट मंत्री बाबूलाल जी खराड़ी साहब है। खराड़ी साहब, बांसवाड़ा को बहुत सारी सौगात दी और भी काफी उम्मीद है, आगे क्या प्लान है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम लोग केवल वोटों की राजनीति नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो एक विधायक हमारा है, लेकिन उसके बाद बजट में आपने देखा होगा तो हमने बांसवाड़ा को मतलब कुछ दिया, इसलिए हम लोग केवल विकास की राजनीति करते हैं। और आज हमें उसको वित्त पोषित उन्होंने नहीं किया, उनको करना चाहिए था, लेकिन केवल वो वोटों की खेती करते हैं, इसलिए उनको वित्त पोषित उन्होंने नहीं किया, क्योंकि इससे हम वोट ले लेंगे ऐसा करके घोषणा कर दी, वित्त पोषित नहीं किया। हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री ने, क्योंकि घोषणा उनकी थी, फिर भी उन्होंने कहा कि जनहित का काम है, जनता की भलाई का काम, इसलिए उन्होंने 31 करोड़ बजट तय कर दिया और उस भवन को बनाने का काम किया। अब वहाँ के क्षेत्र की जनता को योग्य डॉक्टर सर्जन भी होंगे, मेडिसिन भी होंगे, महिला डॉक्टर भी होंगे, गायनिक भी होंगे, ऐसे सारे योग्य डॉक्टर को सभी प्रकार की सुविधा, जाँचें होंगी, जिसमें एक्सरे भी होंगे, वहाँ पर स्थानीय स्तर इस प्रकार का हम लाभ देंगे। और हम चाह रहे, हमारी सरकार चाह रही है कि गाँव में जितने भी उनको बहुत जल्दी भर करके उसकी पूर्ति भी हम लोग करेंगे। और यहाँ एक हमने PHC का उद्घाटन किया है सालिया में, ये PHC भी वसुंधरा की सरकार में पास और बनकर कब तैयार करना भी भारतीय जनता पार्टी विकास करके और जनता के गरीब आम आदमी को करो। उपचुनाव अभी होने वाले हैं, 84 को लेकर काफ़ी जिम्मेदारी आपके कंधे को उठनी है, किस तरीके से इस चुनाव को है? वहाँ पर हमारे अध्यक्ष जी हमारे यात्रा दोनों जगह बैठ के पूछे कार्यकर्ताओं को सुविधा नहीं दी गई, और निश्चित रूप से हम दोनों जगह दोनों चुनाव आज पट्टिका को लेकर है। कुछ कांग्रेस के विधायक वो करे कि हमारा नाम नहीं लिखेगा, क्या कहेंगे वो? करे ताना सही रवैया अपनाए, उन्होंने पट्टिका देखी थी, ये मर्चा तो बोल देंगे, पट्टिका देखते तो उनको पता लगता है। कुशलगढ़ में रमीला विधायक, उसका नाम पट्टिका में, इनका नाम थोड़े लिखेंगे, जिले का क्षेत्र की है तो देंगे, मैंने तो कहा प्रधान है तो उसका भी लिखिए, क्योंकि वो हमारे माननीय जनप्रतिनिधि है, हमारा मतभेद हो सकता है, हमारा मतभेद। कुछ TAD के जो पूर्व सरकार के अंदर में है वो TAD के अंदर में काफ़ी घोटाले थे, आप द्वारा है विधानसभा के अंदर में इस मामले को उठाया गया, तो जाँच कहाँ तक पहुँची और ये जाँच कब तक पूरी हो जाएगी? ये समय पे आपको पता लगेगा। तो ये थे मेरे साथ केंद्र में कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी है, उन्होंने विस्तार से बात की, उन्होंने कहना है कि जो पूर्व मंत्री के खिलाफ जो जांच की गई है वो दिख जाएगी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास के साथ है, कई विकास की सौगात दी, और आने वाले टाइम के अंदर में भी भारतीय जनता पार्टी बांसवाड़ा संभाग को कई सौगात देंगे। रही बात उन्होंने चुनाव की, उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी दमखम के साथ केंद्र में चुनाव लड़ेगी और आने वाले इस चुनाव के अंदर में भारतीय जनता पार्टी अपना अच्छा प्रदर्शन करेगी। कैमरा पर्सन के साथ केंद्र में सच में धड़क के लिए किशन सैन बांसवाड़ा।